हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की रेसिपी है कस्टर्ड केक, जो बहुत ही सिंपल है बनाना। ये एगलेस कस्टर्ड केक है, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, और ये विदाउट अवन हम बनाएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, ये केक आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है, उसे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी, आप उसे देख पाएंगे। और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप हल्का गर्म दूध। इसमें डाल देंगे 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना हो। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। और इसके बाद हम जो केक टिन है जिसमें हमें केक बनाना है, उसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से या फिर बटर से। और इसके बाद इसमें थोड़ा मैदा डाल के इसे डस्ट कर देंगे मैदे से, जिससे कि जो केक है वो बहुत ही ईजिली निकल आता है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। और ये केक टिन रेडी है, इसे भी हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद हम लेंगे एक बोल और उसमें रखेंगे एक स्ट्रेनर, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 कप मैदा। 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें हम। 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसे इसमें सीव कर देंगे हम। और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी और इसे मिक्स कर दें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसे मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड और मिल्क का जो हमने मिक्सचर बना के रखा था, उसे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ पूरा ऐड नहीं करना है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे मिक्स करते जाएं हल्के हाथों से। और आप मिक्सिंग के लिए स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो बिल्कुल स्मूथ लम्स फ्री बैटर बन के रेडी है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, तो बैटर रेडी है। इसे हम डाल देंगे केक टिन में, जिसे हमने ग्रीस करके रखा था। और इसे टैप कर दें, जिससे कि इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रखा है 5 मिनट के लिए, प्री हीट होने के लिए मीडियम फ्लेम पर। और इसमें ये रख देंगे हम केक टिन, कोई भी स्टैंड रख के या फिर छोटी कटोरी रख के आप रख सकते हैं। और इसे कवर करके हम कुक करेंगे 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो 40 मिनट हो गए हैं, अब हम केक को चेक कर लेते हैं। इसे आप टूथपिक से या फिर नाइफ से चेक करें बीचों बीच इंसर्ट करके। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। तो अब हम इसे निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉकलेट सिरप, या फिर आप इसके ऊपर चॉकलेट गनाश भी डाल सकते हैं। और इसे डाल के हम फैला देंगे इसके चारों तरफ। और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कुछ कलरफुल स्प्रिंकलर्स, आप इसे किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये केक हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ।
तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी केक बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।